मैं यहाँ यूक्रेन इवानो फ्रेंकस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। आज यहाँ सुबह से बहुत ज़्यादा पैनिक का माहौल हो रखा है। सब अपने अपने फ्लैट्स में बंद हैं, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा क्योंकि बाहर बॉम्ब्स गिर रहे हैं, कहीं पे कुछ भी हो रहा है। सब बहुत ज़्यादा परेशान है। काफ़ी इंडियन स्टूडेंट हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, सब बस इसी उम्मीद में बैठे हैं कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट कुछ करेगी तो हम यहाँ से जाएंगे। और हमने फ़्लाइट्स भी करवाई थी जाने के लिए, लेकिन वो अब फ़्लाइट सारी कैंसिल हो गई हैं, तो अब हम कैसे जाएं? हम सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट से ही उम्मीद कर सकते हैं कि वो कुछ करें तो हम लोग को यहाँ से ले जाएं। हम ना बाहर जा सकते हैं कुछ सामान लेने, ना कुछ भी, बस फ्लैट में हैं। अब जब तक का सामान है तब तक फ्लैट में है, आगे की सिचुएशन कुछ पता नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। मैं यहाँ यूक्रेन इवानो फ्रेंकस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। आज यहाँ सुबह से बहुत ज़्यादा पैनिक का माहौल हो रखा है। सब अपने अपने फ्लैट्स में बंद हैं, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा क्योंकि बाहर बॉम्ब्स गिर रहे हैं, कहीं पे कुछ भी हो रहा है। सब बहुत ज़्यादा परेशान है। काफ़ी इंडियन स्टूडेंट हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, सब बस इसी उम्मीद में बैठे हैं कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट कुछ करेगी तो हम यहाँ से जाएंगे। और हमने फ़्लाइट्स भी करवाई थी जाने के लिए, लेकिन वो अब फ़्लाइट सारी कैंसिल हो गई हैं, तो अब हम कैसे जाएं? हम सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट से ही उम्मीद कर सकते हैं कि वो कुछ करें तो हम लोग को यहाँ से ले जाएं। हम ना बाहर जा सकते हैं कुछ सामान लेने, ना कुछ भी, बस फ्लैट में हैं। अब जब तक का सामान है तब तक फ्लैट में हैं। आगे की सिचुएशन कुछ पता नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि हमारी एक बच्ची रूस में पढ़ने गई थी, हमारे यूक्रेन में हैं, तो हमारी बच्ची फंस गई है, तो वो सुरक्षित घर भेजी जाए तो हमारी सीधी सीधी मिलता है। अगर ना हुआ तो हम लोग का रोड पे उतरेंगे इससे परिवार। यूक्रेन में क्या करने गई थी? पढ़ाई करने, डॉक्टरी की, डॉक्टरी MBBS। तो कैसे वहाँ क्या फंसी, क्या कुछ जानकारी मिली है? मिली है कि रूस ने हमला किया वहीं, तो वो बेटी फंस गई। तो कोई बातचीत हुई है? नहीं, बातचीत नहीं हमारी हो पाई है कोई। तो आप क्या, भारत सरकार से क्या चाहते हैं? कि हमारी बेटी सुरक्षित घर वापस आए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।